हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का हम इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर देखेंगे उसका फंक्शन। तो आइए पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट, दे आर, जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये छोटे रॉड शेप्ड सेल ऑर्गेनल हैं। दे आर स्मॉल रॉड शेप्ड, ये कैसे से ऑर्गेनल हैं, छोटे रॉड शेप्ड के ऑर्गेनल्स हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल लेयर से कवर रहता है, जिसका आउटर लेयर हो जाता है, बाहरी मेम्ब्रेन वो स्मूथ होता है और पोरस होता है, और जो उसका इनर मेम्ब्रेन होता है वो डीपली फोल्डेड होता है। और उस जो डीपली फोल्डेड रहता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, अभी मैं स्ट्रक्चर भी बना दे रहा हूँ। इट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है विथ आउटर मेम्ब्रेन, इसका स्मूथ होता है और पोरस होता है, यानी इसके आउटर मेम्ब्रेन में मुलायम होता है और इसके आउटर मेम्ब्रेन में छिद्र होते हैं। बिंग्स स्मूथ एंड पोरस, वेरियस, जबकि इसका जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड रहता है। इनर मेम्ब्रेन थ्रोन इनटू डीपली फोल्डेड कॉल्ड क्रिस्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये छोटे रॉड शेप्ड के सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये डबल लेयर से बने होते हैं, जिसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है स्मूथ होता है और पोरस होता है। इसका इनर मेम्ब्रेन जो है इनर मेम्ब्रेन वो डीपली फोल्ड होता है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन इसका फोल्ड होता है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो आइए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये हो गया हमारा रॉड शेप्ड आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये हमारा इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन बना देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, जो कि स्मूथ होता है और पोरस होता है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड दिख रहा है आपको, ये जो फोल्ड दिख रहा है ये फोल्ड, इन फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। अब देखिए यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस स्पेस को कहते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच के स्थान को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर होता है मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिक्स बना देते हैं, इसको कहते हैं हम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का राइबोसोम्स होते हैं और खुद का डीएनए होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं इट हैज, इट हैव देयर ऑन डीएनए, डीएनए एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। तो हम इसमें राइबोसोम्स और डीएनए दिखा देते हैं, ये हो गया डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, ये हो गया राइबोसोम। और ये हो गया हमारा डीएनए। ये है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। हमने इसमें क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होता है जिसका आउटर लेयर पोरस होता है, स्मूथ होता है, और इनर लेयर जो होता है अंदर ही इनर का लेयर वो फोल्ड होता है डीपली, और उस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, उस फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर होते हैं राइबोसोम्स और डीएनए। राइबोसोम्स खोलने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन बना लेता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसका फंक्शन। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस का मतलब क्या होता है, जो आपके गांव में और शहर में बिजली आती है वो किसी पावर हाउस से आती है, वैसे ही हमारे शरीर में एनर्जी हर जगह पहुंचाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में हमारा एनर्जी बनता है और जब भी हमको ज़रूरत होता है इससे हम एनर्जी लेके अपना काम करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें होता क्या है, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन भी जाता है लंग्स से, जो हार्ट के द्वारा हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेता है और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाता है, और हर एक सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है जिसको कहते हैं हम क्रैफ्ट साइकिल। क्रैफ्ट साइकिल के दौरान हमारे शरीर में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमको मिलता है एनर्जी और उस एनर्जी से हम अपना कार्य कर पाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दे आर द साइट ऑफ, दे आर द साइट ऑफ सेलुलर, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, हैंस हैंस प्रोवाइड प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी, ये क्या हमको प्रोवाइड कराता है, एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज, यानी जो हमको लिविंग सेल के लिए जो एक्टिविटीज का जरूरत होता है, एक्टिविटीज
प्रोवाइड एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया से हमको एनर्जी मिलती है ताकि हमारा सेल बढ़िया तरीके से अपना कार्य कर पाए। माइटोकॉन्ड्रिया जो 38 ATP से ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है उसको स्टोर करके रखता है और जब हमको ज़रूरत होती है तब वो उससे हम यूज कर लेते हैं। दे स्टोर एनर्जी, ये क्या कहता है, दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये किस रूप में एनर्जी स्टोर करके रखता है, ATP के फॉर्म में, जिसको हम एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, वो एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। ATP को हम क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ द सेल। ये हमारे सेल्स में ATP की फॉर्म में एनर्जी को रखा रहता है और इसे हम यूज़ कब करते हैं, जब हमको ज़रूरत होती है, जब भी हम कोई काम करते हैं उस समय हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब हमको माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिल जाती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, अब आप हमको बताइए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है और जब हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है तब हमको माइटोकॉन्ड्रिया से मिल जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP फॉर्मेशन होता है, उस ATP को हम कहते हैं करेंसी। करेंसी ऑफ द सेल, इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया का करेंसी हो गया रुपी, यानी हमको कोई भी सामान खरीदना होगा जिससे हमको खा के एनर्जी मिले, तो वैसे ही सेल्स के अंदर करेंसी होता है जिसको हम कहते हैं ATP, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। तो अभी हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद से आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे कि मैंने बताया, जब ऑक्सीजन आता है तो इसमें एक क्रेब्स साइकिल चलता है, जिस क्रेब्स साइकिल के दौरान उसमें से ATP का फॉर्मेशन होता है। 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं और उस ग्लूकोज से हमको एनर्जी प्रोवाइड होता है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल के दौरान ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस ग्लूकोज से हमको मिलता है पावर, जिसको हम कहते हैं एनर्जी, और इस पावर की वजह से हम इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आपको समझ में आ गया क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैं थोड़ा सा इसे भी रफ कर देता हूँ, इरेज कर दूँ इसको। अब क्वेश्चन ये बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा कौन
कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को 1850 ईस्वी में, यानी 1850 में, 1850 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढा था किसमें? मसल में, मसल्स में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल चलता है, उस क्रैब साइकिल के दौरान एटीपी फॉर्मेशन होता है, 38 एटीपी का ग्लूकोज होता है, 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमको मिलता है एनर्जी। ठीक, कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट 1850 ईस्वी में मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था, लेकिन उस समय इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सेंक्रोसोम्स रख दिया था। क्या रख दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सेंक्रो सोम्स। अब आप ये सोचते होंगे जिन्होंने खोजा इसका नाम क्या था उस समय? सेंक्रोसोम। तो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पड़ा? एक साइंटिस्ट और थे कार्ल्स बेंडा। क्या नाम था इनका? कार्ल्स बेंडा, जिन्होंने सेंक्रोसोम से इसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप ये आपको नहीं पता होगा, अब पता लग गया तो लाइक तो बनता है। तो अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड सेल ऑर्गेनल है, ये इसमें दो लेयर होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और पोरस होता है। इसका इनर मेम्ब्रेन जो होता है फोल्डेड होता है, उस फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के अंदर इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ये फोल्ड इसलिए दिया रहता है ताकि जो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये फोल्ड्स होते हैं। फिर हमने देखा इसका फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब साइकिल चलता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, जिससे यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उस एटीपी से 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमको मिलता है पावर, एनर्जी। फिर हमने पढ़ा कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट थे, 1850 ईस्वी में मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढा था, लेकिन उस समय उन्होंने उसका नाम दिया था सेंक्रोसोम। फिर कार्ल्स बेंडा नामक साइंटिस्ट इसका नाम रखे। और एक बात और, जो हमारा आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्सेस, रेड ब्लड सेल्स, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे होता है हमारा वीडियो समाप्त। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।